स्टूडेंट्स, द टॉपिक फॉर टूडेज डिस्कशन इज मल्टीमीडिया इमेज डेटा टाइप्स. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 1-bit इमेजेस एंड 8-bit इमेजेस. जैसे कि आपको बताया गया था कि जो हमारी 1-bit इमेजेस होती हैं उसमें हम 0 और 1 मींस इनको हम बाइनरी इमेजेस भी कहते हैं, हमारी बिट मैप इमेजेस भी कहते हैं. और जो हमने 8-bit ग्रे इमेजेस के बारे में स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि जो पिक्सल रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पे जितने पिक्सल्स होते हैं उन सबको एक यूनिक नंबर दिया जाता है, 0 से लेके 255 तक. मींस यहाँ पे हम 256 कलर कॉम्बिनेशंस का यूज़ करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में कुछ मोस्ट कॉमन डेटा टाइप्स हैं ग्राफिक्स या फिर इमेज फाइल फॉर्मेट्स के. मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में बहुत सारे इमेज फॉर्मेट्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, JPEG फॉर्मेट है हमारे पास में, बिटमैप इमेज है, PNG इमेज फॉर्मेट है हमारे पास में, PICT जो कि आपका आईफोन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इमेज का. नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हम 24-bit कलर या फिर 8-bit कलर इमेजेस के बारे में बात करेंगे. स्टूडेंट्स, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए रेस्ट्रिक्टेड होते हैं. आप कह सकते हैं कि ये हमारे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास में विंडोज़ का एस सिस्टम है जो कि लिनक्स पे आप यूज़ नहीं कर पाएंगे. मीन्स यहाँ पर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी नहीं है. स्टूडेंट्स, मैनी फाइल फॉर्मेट इनकॉर्पोरेट सम वेरिएशंस ऑफ ए कंप्रेशन टेक्निक्स ड्यू टू लार्ज स्टोरेज साइज ऑफ इमेज फाइल्स. कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे फाइल फॉर्मेट होते हैं जिनमें बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें कंप्रेशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है. इन कंप्रेशन टेक्निक्स की हेल्प से जो इमेज फॉर्मेट होता है उसको आप उसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके साइज़ को आप डिक्रीज़ कर सकते हैं. जैसा कि आपको बताया गया कि हम 1-bit इमेजेस का साइज़ इन कंपैरिजन टू 8-bit इमेजेस के साइज़ से कम होता है. आपको बताया गया था कि अगर हमारे पास में 640 मल्टीप्लाइड बाय 480 रेजोल्यूशन है तो वहाँ पर अगर 1-bit इमेज है तो हमारे पास में अराउंड 34 किलोबाइट ऑफ स्टोरेज चाहिए. और इसके कंपैरिजन अगर हम 8-bit की तरफ जाते हैं तो अराउंड 300 किलोबाइट ऑफ स्टोरेज की ज़रूरत होती है उस इमेज को सेव करने के लिए. तो जैसे जैसे कलर कॉम्बिनेशंस बढ़ेंगे और इमेजेस का साइज़ हम कहेंगे कि बिट लेवल बढ़ेगा तो वहाँ पे साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, उनके लिए स्टोरेज के लिए ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत होगी. स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे यहाँ पे 24-bit कलर इमेजेस के बारे में. 24-bit कलर इमेजेस में जितने भी पिक्सल्स होते हैं हमारे पास में उनको हम 3 bytes में रिप्रेजेंट करते हैं. 1-bit में हमने 1-bit का यूज़ किया था. 8-bit की बात करें तो वहाँ पे हमने 1 byte यूज़ की थी. 24-bit में हमारे पास में 3 bytes हो गई. यहाँ पे हमें ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे. स्टूडेंट्स, ये जो इमेजेस होती हैं ये आपके RGB फॉर्मेट में होती हैं, रेड ग्रीन ब्लू कलर फॉर्मेट में होती हैं. सिंस ईच वैल्यू इज़ इन द रेंज ऑफ 0 to 255, दिस फॉर्मेट सपोर्ट 256 और ए टोटल ऑफ 16777216 पॉसिबल कॉम्बाइंड कलर्स. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे जैसे बिट इंक्रीज होंगी उतने ही हमारे पास में कलर कॉम्बिनेशंस आएंगे. यहाँ पर रेड कलर के लिए 0 से 255 कॉम्बिनेशंस हैं, ग्रीन कलर के लिए 0 से 255 कॉम्बिनेशंस हैं, ब्लू कलर के लिए 0 से 255 कॉम्बिनेशंस हैं. मींस टोटल हमारे पास में 3 bytes हैं और जितनी भी bytes हैं उन सब के लिए 256 कलर कॉम्बिनेशंस हमारे पास में हैं, जिनका टोटल नंबर ऑफ कलर कॉम्बिनेशंस हमारे पास में 16777216 कलर पॉसिबल कलर कॉम्बिनेशंस हमें देखने को मिलते हैं. स्टूडेंट्स, इट मींस हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में सपोज हमने एक इमेज का साइज़ लिया 640 मल्टीप्लाइड बाय 480, तो जो हमारी 24-bit कलर इमेज है उसके लिए कम से कम 921.6 किलोबाइट ऑफ स्टोरेज की हमारे लिए ज़रूरत होती है. 1 byte 1-bit में आपने देखा था,
हमें 34 KB चाहिए, 8 bit मीन्स 1 byte में हमें अराउंड 300 KB चाहिए। अब 3 bytes हो गए तो 3 multiplied by 300 एट इज़ 900 kilobytes ऑफ मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी इन इमेजेस को सेव करने के लिए। और ये इमेज जो सेव होंगी विदाउट एनी कंप्रेशन टेक्निक्स। आगे जाके हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास में डेटा कंप्रेशन की टेक्निक्स होती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रिमेंबर रखना है वो ये रखना है कि जो 24 बिट कलर इमेजेस हैं एक्चुअल में वो एज ए 34 बिट इमेजेस की तरह ही सेव होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में कुछ हायर बिट डेप्थ इमेजेस भी होती हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि सीटी स्कैन्स होते हैं, एमआरआईज होते हैं और एक्सरेज होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसके लिए कुछ स्पेशल रेज का यूज़ किया जाता है। वहाँ पर इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, गामा रेज का यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली इस तरीके की जो इमेजेस होती हैं वो आपकी हायर बिट डेप्थ इमेजेस में आती हैं। ये जो इमेजेस होती हैं इनका बेसिक पर्पस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें। इन इमेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ कैमरास का यूज़ किया जाता है जिसमें कि 3 से ज़्यादा कलर्स का कॉम्बिनेशंस होता है। ए पर्सन कैन व्यू मोर देन 3 कलर्स। देखिए, यहाँ पर जो इमेजिंग होती है जैसा कि मैंने आपको बताया विद द हेल्प ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है। एनदर यूज़ ऑफ हाई बिट डेप्थ इमेजेस टू परफॉर्म सैटेलाइट इमेजिंग। सैटेलाइट इमेजिंग में भी इन रेडिएशंस का यूज़ किया जाता है, हाई बिट डेप्थ इमेजिंग का यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि कहीं पे साइक्लोन इंफॉर्मेशन हो फाइंड आउट करनी होती है या फिर वेदर फोरकास्टिंग करनी है तो उनकी इमेजेस में सैटेलाइट इमेजिंग का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे हाई बिट डेप्थ इमेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। हम कह सकते हैं कि ये जो इमेजेस हैं इनको मल्टी स्पेक्ट्रल कहा जाता है। मोर देन 3 कलर्स कॉम्बिनेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं या फिर इनको हम हाइपर स्पेक्ट्रल भी कह देते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बिट प्लेन्स बनाए जाते हैं। बिट प्लेन्स की हेल्प से इमेज क्वालिटी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ए ग्रेट मैनी इमेज प्लेन्स, यहाँ पे बहुत सारे इमेज प्लेन्स बिट प्लेन्स देखने को मिलते हैं और हम कह सकते हैं 224 कलर्स फॉर सैटेलाइट इमेजिंग। 224 कलर्स का यूज़ किया जाता है सैटेलाइट इमेज बनाने के लिए। ये हमारी हायर बिट डेप्थ इमेजेस कहलाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 8-bit कलर इमेजेस की। हमने पहले स्टडी किया था 8-bit ग्रे स्केल इमेजेस, नाउ 8-bit कलर इमेजेस। मैनी सिस्टम्स कैन यूटिलाइज द कलर इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड विद ओनली 8-bit ऑफ इन्फॉर्मेशन, सो कॉल्ड 256 कलर्स इन प्रोड्यूसिंग ए स्क्रीन इमेज। अगर किसी स्क्रीन इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए केवल और केवल 8-bit इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाए तो वहाँ पर हमारे पास में 1 byte ऑफ मेमोरी आती है। हम इमेज को 1 byte से रिप्रेजेंट करते हैं और जब हम किसी इमेज को 1 byte से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें वहाँ पर 0 to 255 कलर्स देखने को मिलेंगे। 8-bit कलर इमेज फाइल्स यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकअप टेबल्स टू स्टोर कलर इन्फॉर्मेशन। जो हमारी 8-bit कलर इमेज होती है वहाँ पर लुकअप टेबल्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है किसी भी इमेज के कलर इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। स्टूडेंट्स, बेसिकली द इमेज स्टोर नॉट कलर्स बट जस्ट ए सेट ऑफ बाइट्स। यहाँ पर इमेज कलर को स्टोर नहीं करती है बट सेट ऑफ बाइट्स स्टोर किए जाते हैं, हम कह सकते हैं, जिसमें कि एक इंडेक्स नंबर होता है उस टेबल को देखने के लिए, जहाँ पे हमारे पास में 3 byte वैल्यू आपको मिलेगी, स्पेसिफाई होगी। 24-bit कलर कॉम्बिनेशंस हमारे पास में होंगे किसी भी एक पिक्सल के लिए। यहाँ पे हम लुकअप टेबल का इंडेक्स जो होता है वो देखते हैं। स्टूडेंट्स,
The idea used in a 8-bit color images is to store only the index or code value for each pixel. यहाँ पर जो basic concept use किया गया है किसी भी 8-bit color image को produce करने के लिए उसमें केवल और केवल उस particular color का index या फिर हम कह सकते हैं उस particular pixel की code value को save किया जाता है. If a pixel store the value 25, for example, मेरे पास में एक pixel है जो कि store करता है 25 value को, तो इसका meaning ये है कि हम LUT, that is lookup table में row number 25 पर जाएंगे और वहाँ पर जो भी color combination हमें दिया गया होगा वो color वो उस pixel पर represent होगा. It means while image are displayed in a 2D array of values, यहाँ पर जो इमेज होती हैं वो आपकी टू डायमेंशनल वैल्यूज में रिप्रेजेंट होती हैं. स्टूडेंट्स, फॉर एन 8-bit इमेज द इमेज फाइल कैन स्टोर इन द फाइल हेडर इन्फॉर्मेशन. जो हमारी 8-bit इमेज होती है उसको हम ऐसे हेडर इन्फॉर्मेशन की तरह फाइल में स्टोर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास में 8-bit वैल्यूज हैं जिसमें हमारे पास में रेड, ग्रीन एंड ब्लू है जो कि ईच इंडेक्स को करस्पॉन्ड करेगी. स्टूडेंट्स, जो हमारा लुकअप टेबल होता है उसको कभी कभी हम पैलेट के नाम से भी जानते हैं. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया गया है कि हमने यहाँ पर 8-bit कलर इमेजिंग का यूज़ किया है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाई गई है, टू डायमेंशनल रोज एंड कॉलम्स हैं, तो ज़ीरो से लेके हम 8 तक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव करेंगे. अब नाउ फॉर एग्जांपल ये कलर कॉम्बिनेशन आया किसी पिक्सल पे, तो हमने इस रो को सर्च किया, तो यहाँ पर देखिए रेड के लिए अलग वैल्यू है, ग्रीन के लिए अलग वैल्यू है, ब्लू के लिए अलग वैल्यू. मीन्स ये जो पिक्सल है ये 0, 255 कलर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है और इस कलर का नेम यहाँ पर दिया हुआ है. तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 3 बाइट्स होंगी उनमें रेड के लिए 0 से लेके 255, ग्रीन के लिए 0 से लेके 255, ब्लू के लिए 0 से लेके 255 मीन्स 256 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 256 कलर कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे. स्टूडेंट्स, ऐसी इमेजेस का सब प्रोड्यूस करने से हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि यहाँ पर हम कुछ सिंपल एनिमेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं. इन एनिमेशंस को परफॉर्म करने के लिए सिंपल यहाँ पे कलर स्कीम को चेंज करना पड़ेगा, कलर टेबल को चेंज करना पड़ेगा, जिसको कि हम कलर साइक्लिंग कहते हैं. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.